आई एम शामलवी, मैं पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट बिहार से हूँ। मैं फ़िलहाल कोटा में हूँ और मैं यहाँ 2 साल पहले आई थी मेडिकल की तैयारी करने के लिए। मैं यहाँ रुक गई थी क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट्स खुले थे, हमारे डाउट सेंटर्स खुले थे, मेजर टेस्ट चल रहे थे। ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से, ज़्यादा फोकस्ड होकर और ज़्यादा पोटेंशियल से पढ़ाई कर सकूँ, इसलिए यहाँ पर रुकी थी। बट नाउ एज एवरी वन नोज कि बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हो चुकी है कोटा में, 100 से ज़्यादा केसेज हैं कोरोना के। इट्स वेरी डेंजरस एंड इट्स वेरी वेरी टेरिफाइंग। हमारे पेरेंट्स काफ़ी डरे हुए हैं, वो काफ़ी टेंशन में हैं, हमारे लिए काफ़ी डिप्रेशन वाला माहौल है। एज़ यूपी गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया, उन्होंने अपने स्टेट्स के बच्चों को वापस बुलाया, उन्होंने बस प्रोवाइड की। हमें लगा कि हमारी गवर्नमेंट भी कोई इनिशिएटिव लेगी हमें वापस घर पहुंचाने के लिए, बट वो कम्प्लीटली अगेंस्ट है इसके। हमारे यहाँ पे मेस बंद हो चुकी है, खाने में दिक्कत है, बाकी कोई भी काम के लिए किसी और पर डिपेंडेंट होना पड़ रहा है, सारे काम खुद करने पड़ रहे हैं और कोई कॉन्सेंट्रेशन पढ़ाई पर नहीं हो रही है। वी आर रियली वेरी टेरिफाइड, इट्स बींग हॉरेबल एंड पैथेटिक फॉर अस बींग हियर। I want our government to take an initiative to help us to provide passes to our guardians so that they can come here and take us back home. We'll be really very thankful and we are sure that we will follow all the rules and guidelines to prohibit this disease, to fight this corona. This is my humble request to the Chief Minister and we'll be really thankful if you take an initiative and look into this matter ASAP. Thank you. नमस्ते, मैं आकांक्षा आनंद पूर्णिया बिहार की रहने वाली हूँ और यहाँ कोटा राजस्थान में मेडिकल की तैयारी कर रही थी। और यहाँ कोटा में कोरोना की कंडीशन बहुत बुरी होती जा रही है। हम कोटा में हर चीज़ के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं, चाहे वो खाने का सामान हो या कोई भी सामान हो। अब वो सामान हम तक सेफली पहुँच रहा है या किन हाथों से होकर गुजर रहा है ये हमें नहीं पता। इस स्टेट में चाहे कोई भी बच्चा हो, वो अपने फुल पोटेंशियल से नहीं पढ़ पाएगा। वो बच्चा दिन भर हम रूम में बंद रहते हैं और बिल्कुल अजीब सा माहौल है यहाँ पर। जब यूपी से गवर्नमेंट ने अपने बच्चों को बस से बुलाया तो बिहार के सारे बच्चों में भी एक आस थी कि नीतीश सर हमें भी बुलाएंगे, बिहार हमें भी बस की फैसिलिटी देंगे या पास देंगे। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि नीतीश सर ने तो यूपी की गवर्नमेंट पर भी सवाल उठाए। तो इससे यहाँ के बच्चों में बहुत डिप्रेशन आया है। हमें यहाँ पर अब डर लग रहा है सच में, क्योंकि हमारे हॉस्टल के लगभग बहुत सारे बच्चे जा चुके हैं और हॉस्टल भी बिल्कुल खाली हो गया है, बहुत कम बच्चे हैं। बाकी स्टेट के गवर्नमेंट ने भी अभी बस भेजने के लिए सोचा है, पर नीतीश सर इस बारे में बिल्कुल सोच नहीं रहे हैं। हम सर से ये उनको आश्वासन देते हैं कि हम हर टेस्ट देंगे, सारे प्रिकॉशन लेंगे, वो चाहे सोशल डिस्टेंसिंग हो या थर्मल स्क्रीनिंग हो, हर टेस्ट देंगे और सारे रूल्स को फॉलो करते हुए बिहार आएंगे। और प्लीज़ सर हमारी बात सुनिए और हमें प्लीज़ घर पहुंचाइए, हमें अब यहाँ नहीं रहना, हमें घर जाना है। प्लीज़ सर, हम यहाँ पर आपने कहा था कि सारे संपन्न घर के बच्चे रहते हैं, पर हम इस समय यहाँ पर अपने माँ बाप के साथ नहीं हैं, वो कोई भी फैमिली हो। और सिर्फ संपन्न घर के बच्चे नहीं रहते, बहुत सारे अलग अलग सर्कमस्टेंसेस से आए हुए बच्चे यहाँ पर हैं। और बच्चे तो आखिर बच्चे ही होते हैं, उन्हें मतलब पैसों से कोई मतलब है नहीं। इस टाइम हर बच्चा ये चाह रहा है कि वो अपने घर तक पहुँच जाए। प्लीज़ किसी तरह हमें अपने घर तक पहुँचा दीजिए, वी रिक्वेस्ट यू। थैंक यू।